चल रहा है क्या? गए आप लोग? चल रहा तो बताओ फटाफट कि हाँ ठीक है। गुड इवनिंग चंदन सिंह, गुड इवनिंग समन देवी पिपरा, इंदु गेमिंग, नाब्या गुड इवनिंग, आदि गुड इवनिंग, मोहित जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोहित कुमार विश्वकर्मा, अवंतिका गुप्ता, क्या नाम है इनका भाई, सुरेश, राहुल यादव, मोनिका वैष्णव, मिस्टर लीजेंड वाईटी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे खिलाड़ी जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर दें, तुरंत तुरंत, देर ना करें, ऐसी शुभ घड़ी में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2। कौन सा पढ़ रहे थे भैया? 2.2। सभी जितने भी हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथी हैं वो क्लास को शेयर करेंगे बहुत जल्दी, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देना है, फेसबुक में भेज देना है, इंस्टाग्राम ट्विटर जहां भी है हर जगह भेज दो, फटाफट भेज के आओ। चलो तो बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे, बाबू क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 2.2, क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित था, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न बहुपद में 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि इसमें x बराबर 0 दिया है। क्या दिया भैया? x बराबर 0 दिया है। क्या दिया बाबू? x बराबर 0 दिया है। चलिए ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है ये, समझिए ये इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसमें अगर x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा। हमने ये इक्वेशन ले लिया 5 × x, ये गुणा के साथ में x है इसलिए इसमें गुणा लगा के 0 रख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि x बराबर क्या है, 0 रखना है, पहला क्वेश्चन में कहा था। तो भैया इसमें भी x का मान 0, 0 का स्क्वायर × 4 तो सब मिला के 0 हो जाएगा, और प्लस का 3, ये 0 0 जुड़ेगा या घटेगा सब 0 ही आएगा, प्लस का 3 जो है ये 3 रहेगा, बस आंसर हो गया, कितना आ गया 3। ठीक है लिख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लास 10th एनसीईआरटी, सॉरी 10th नहीं 9th एनसीईआरटी गणित का आपका ये है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए समझिए, आगे समझिए कहानी क्या है, जरा समझते चलिए, समझते चलिए। कह रहा कि इसमें यदि x बराबर -1 है तो क्या होगा, दूसरा पार्ट है बेटा, जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। x का वैल्यू अगर इसमें 2 पुट करें तो क्या होगा भाई? ये कलुआ गेमिंग को कोई नहीं देख रहा है क्या? हाँ ये जो मॉडरेटर बने हैं वो लोग क्या केवल ज्ञाने देने के लिए हैं? विपिन कुमार, रोहित, नाभ्या, अवंतिका, जो जो ये मॉडरेटर हैं क्या ये नामी के लिए हैं? कलुआ देखो क्या क्या भेज रहा है। रोहित अभी दिखा जाके आपको, देखिए समझिए, पहला मैंने निकाल दिया 3 आया, दूसरा बेटा अगर इसमें x का मान -1 रखेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे लिखो हल प्रश्नानुसार, तो मैंने नीचे लिख लिया x का मान इसमें 1 रखना है तो 5 × ये माइनस का 1 और ये बीच में माइनस था 4 और 5x के बीच में, तो ये माइनस 4 × x, x का मान क्या है बच्चा -1 है, स्क्वायर प्लस 3, फाइनल में ये माइनस का 5 और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 9 प्लस का 3, माइनस का 6 आएगा कि नहीं करके देखो फिर बताओ मुझे कितना आएगा, माइनस का 6। RSB, आर्यन पाल, विकास, पुनीत, अमित,
देखो भैया क्लास को लाइक करो, ऐसे मजा नहीं आ रही। क्लास को फटाफट लाइक करो। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कौन सा है? एक्सरसाइज 2.2। इसके थर्ड पार्ट में -3 आएगा। थर्ड पार्ट में कितना आएगा? -3 आएगा बेटा। प्ले स्टोर पे क्विज नहीं मिलता है राजा। चलो ये यूट्यूब पे मिलता है। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। 2 रख के देखो इसमें मान। चलिए समझिए, अगर इसमें हम x का मान 2 रख देंगे तो क्या होगा? इसके 3 पार्ट थे जिसमें मैंने पहला दूसरा कर लिया, तीसरा पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ हाजिर है। x का मान 2 रखिए तो ये हो जाएगा 2 × 4 इंटू x का मान 2 रखिए स्क्वायर और −3, ये 10 प्लस 2 × 2 = 4 और 4 ये 16 प्लस 3 16 × 10 = 26 3 = 29। तो गलत आ रहा है का भाई? ये तो गलत आ रहा लग रहा है। x का मान 2 रखना है तो 5 × 10 = 2। अच्छा ये गलत है, लिए हो गया क्योंकि यहाँ माइनस था। ध्यान दो भैया, ध्यान दो बाबू, ये माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस प्लस जुड़ गया, माइनस का 3 आंसर आएगा। कितना आएगा? −3। मनजीत मौर्य बहुत अच्छे, विपिन कुमार, राम बाबू ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लिख लीजिए, छाप लीजिए, नींद बहुत तेज आ रही मुझे अब, और आगे पढ़ाऊँ कि जाऊँ? अभी तो टेट वालों को भी पढ़ाना है, अभी तो 11 बजे तक पढ़ाना है। आ रही तो आने दो, पानी भी नहीं है यहाँ, पता नहीं कि है भी, थोड़ा सा रुक जा देखूँ तो पानी वानी है। लिख लीजिए आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। टू पॉइंट टू का पहला हो गया सारा पार्ट। अब इसमें कोई पार्ट नहीं बचा है। राम बाबू बच्चा कोशिश करो, अभी ये क्लास फिर से मिल जाएगी यूट्यूब पे। एक बार खत्म हो जाए तो तुम फिर से आना, चाहे जितनी बार बुझाना, इसी में बुझाते रहना दिन भर। चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं, बंधु जुड़े हैं, वो इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भैया अगर आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब पे हम बिल्कुल फ्री लाइव पढ़ाते हैं बाबू, ठीक है? इसमें कोई एक चवन्नी नहीं लगती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप हमें सब्सक्राइब करें और रेगुलर पढ़ें, शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे, चैनल नंबर 3 पर और चैनल नंबर 2 पर, सॉरी चैनल नंबर 1 पर। यानी चैनल नंबर 1 का मतलब PVR स्टडी इलाहाबाद, चैनल नंबर 3 का मतलब PVR स्टडी 3.0 स्कूल, ये नाम है उसका, स्कूल लगा है लास्ट में। फिर बेटा तू काहे मुंह बना रहा है आदि आदि करके, काहे को मुंह बना रहा है, क्या समस्या हो रही? पानी पीने से नींद भागती है का? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P(0), P(1) और P(2) ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसको P(1) पढ़ते हैं, ठीक है? इसको P(3) पढ़ेंगे, इसको P(5) पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे P के हाफ। चलो समझ में आया ना सभी को? आया समझ में? संगम शर्मा काहे को ब्लॉक करने वाला काम कर रहे हो? फिर फोन करके कहोगे अरे गुरुजी हम तो वही थे जो फालतू कमेंट कर रहे थे और मुझे ब्लॉक काहे कर दियो? मैं तुमको कौन सी ऐसी लैंग्वेज में बोलूं कि तुम दोबारा ना बोलो हमसे, बताओ? जब तुम फालतू कमेंट करोगे तो ब्लॉक तो कर दिए जाओगे ना। यूट्यूब अपने आप कर देता है जो बहुत इमोजी वगैरह भेजता है। चलें आगे बढ़ें।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इधर साइड में भाई, आज बहुत तेज नींद आ रही है यार। आज मैं रात में सोया भी नहीं था आप लोगों के चक्कर में, और फिर सुबह सो गया अचानक, और फिर सुबह भी सब डिस्टर्ब भी हो गया। देखो कह रहा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए, पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, पी ऑफ वाई बराबर वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। इसमें तीन चीज निकालना है। तीन चीज का मतलब पता है क्या क्या निकालना है? इसमें पी ऑफ जीरो निकालना है, पी ऑफ वन निकालना है, एंड पी ऑफ टू निकालना है। इसका मतलब जानते हो क्या है? देखो पी ऑफ वाई है ना, सॉरी यहाँ पे पी ऑफ वाई है, तो यहाँ पे पी ऑफ जीरो है, तो पी ऑफ जीरो का मतलब वाई की जगह पे हर जगह जीरो रखोगे। तो मुझे ये बताओ कोई, अगर वाई की जगह पे जीरो रखेंगे बाबू तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ फटाफट भाई। कलुआ को एकदम से ब्लॉक कर दो ना, ये कलुआ को एकदम से ब्लॉक कर दो पूरी तरह से, इसे टाइम आउट मत करो। ये कलुआ बड़ा खतरनाक है, ये पता नहीं क्या भेज रहा है। जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसे ब्लॉक करो फटाफट, फालतू लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। तो गधे पालने से अच्छा एक शेर पालो, और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सभी शेर हैं, और जो ये गधे आ रहे हैं ना इन्हें हटाते जाओ यहाँ से, क्योंकि ये क्या करेंगे, कभी इमोजी भेजेंगे, कभी कूड़ा कचरा भेजेंगे, कभी भैंस गोरू भेजेंगे, कुछ ना कुछ भेजेंगे उसी में। देखो हम सबसे पहले पी आप जीरो निकालेंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो रखेंगे जहाँ पर वाई है, ये आपका जीरो का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई की जगह पे जीरो प्लस वन। भैया शून्य का चाहे जो भी करो ये शून्य ही रहेगा, ये उन्हीं हरामखोर बच्चों जैसे हैं जो फालतू का इमोजी भेज रहा है, कोनो गाली भेज रहा है, कोनो पता नहीं क्या क्या भेज रहा है, हाँ उन्हीं जैसे हैं ये, इनका कुछ भी करो सुधरने वाले नहीं। वैसे ये हैं जीरो है, ये भी जीरो, इनको घटाओगे जोड़ोगे गुणा करोगे भाग करोगे जीरो ही होंगे, और ये प्लस का वन ऐसे ही रहेगा। फाइनल में आपका वन आंसर आ गया। अमित दुबे बहुत अच्छे, पलक चौहान, नीतीश, मनोज, नरेश, भैया उत्तरमाला मिला लेते हैं, रुक जाओ पहले आप लोग भी मिला लो, क्योंकि नाइन्थ वाला बचवा ना बहुत उत्तरमाला मिलाता है, कहता अरे गुरु जी इतना उत्तरमाला हम मिल ही नहीं रहा है, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? तो उत्तरमाला भी मिलाना पड़ता है ना हमें, क्योंकि उत्तरमाला मिलाना जरूरी है। तो बेटा क्या करना है, तीन मान निकालना है, पहला मान वन आ गया ठीक है, उत्तरमाला में तुम्हारे 113 आ रहा है, 113 का मतलब तीनों मान रखो अलग अलग। अब यहाँ से आप निकालोगे पी ऑफ वन, तो देखो बेटा पी ऑफ वन निकालोगे हाँ, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वन रखोगे, तो वन का स्क्वायर माइनस वन और प्लस का वन, यानी कि कहने का ये मतलब है कुल मिला के कि आपको इसका मान निकालना है। या क्या हुई ना बात, कुछ लोग क्या करेंगे इसको घटा लेंगे, नहीं प्लस प्लस जुड़ेगा बेटा तो ये ऐसे आएगा, ये आंसर आया, ये पी ऑफ जीरो का मान आया, ये पी ऑफ वन का मान आया, क्योंकि हमें तीन मान निकालने थे। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ राम बाबू, बेटा टाइम से आया करो बाबू, टाइम से आओ, तुम्हारा नाम तो राम बाबू है लेकिन काम तो तुम्हारा अच्छा नहीं है। हाँ क्लास का टाइम जितना बजे है ना उतना बजे आओ, और ज़्यादा अगर गणित कमज़ोर है तो आप जीरो लेवल ले लो एप्लीकेशन में जाके, जीरो लेवल में तो तुम्हें मैथ का वैक्सीन लग जाएगी, बिल्कुल टनाटन हो जाओगे। चलो समझो, तीसरा मान पी ऑफ टू निकालना है, बचवा ये टू का स्क्वायर हो जाएगा वाई की जगह पे माइनस वाई की जगह पे टू प्लस का वन, ये फोर माइनस का टू प्लस का वन, फोर वन फाइव माइनस का टू इक्वल थ्री। समझ में आया? जल्दी से बोलो यस। जिनको भी समझ में आया हमारे प्यारे प्यारे साथी क्लास को लाइक करेंगे, फटाफट लाइक करेंगे, और इतना करने के बाद बोलेंगे यस यस यस, थम्स अप करेंगे जल्दी जल्दी। चलो अमित दुबे जी बहुत बहुत थैंक यू, आशीष यदुवंशी, गुलशन कुमार, मनीष कुमार, अनामिका गुप्ता, समझा भी सकते हैं कि प्लस नहीं लगता बच्चों,
कहाँ समझाए यहाँ, हो गया लिख लिए, चलो हो गया ना। देखो जितना बोले उतना करो तो अच्छा लगता है, हाँ जितना बोले उतना करो तो अच्छा है, लड़ाई झगड़ा ना करो, हाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो। और आगे क्या बोलते थे यार वो बचपन में हम लोग जब छोटे थे, बहुत गंदा बोलते थे, तुमको तो याद है क्या? किसी को फिर लड़ता था तो वहाँ पे बोला जाता था, फिर वो शर्मा जाता था और फिर वो लड़ाई बंद कर देता था। चलो हो गया ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो बहुत पहले हो गया था, सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, ये सेकंड पार्ट है। ये कह रहा है कि पी ऑफ टी, ये पी ऑफ टी दिया है, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टकला भी होता है, टू प्लस टी और प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। टू टी का मतलब ये है, टूटी फीकी पंचर, सुने हो कि नहीं, कौन कौन सुना है? इसमें क्या करना है हमें, तीन मान निकालने हैं। देखो बच्चा समझ के चलो बाबू, इसमें तीन मान निकालने हमें, हाँ हमें ज्ञात करना है क्या क्या, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू, ठीक है ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ हम लिखेंगे हल, तो पी ऑफ जीरो बराबर रखो, जहाँ जहाँ पर जीरो सॉरी जहाँ जहाँ पर टी है मतलब ये वेरिएबल है, वहाँ वहाँ पर जीरो रखोगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ शून्य रखोगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये टू ऐसे आ जाएगा, टी की जगह पे शून्य प्लस टू, इसमें टी का स्क्वायर है मतलब जीरो का स्क्वायर, और माइनस टी का क्यूब है मतलब जीरो का क्यूब। देखो जीरो एक ऐसा प्राणी है ना, चाहे इसको जितना कूड़ा कर दो, चाहे घटा दो, चाहे जो भी कर दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हिकना एकदम निर्लज्ज है, बेशरम है, समझ रहे हो ना, इसको चाहे जितना बार कूड़ा कर दो, चाहे इसकी जितनी घात लगा दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम वैसे जैसे आप देख रहे हो आजकल किसान पिछले 11-12 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, 500-600 किसान शहीद हो चुके, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कह रही भाई तुम्हारे फायदे के लिए लो लो तुम इसे लो, वो कह रहे हम नहीं लेंगे, सरकार कह रही लो तुम्हारे फायदा होगा इसमें लो, बाकी इसके आगे हम बोलेंगे तो ये आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, तो इसके आगे नहीं बोलने वाले। चलो आगे चलते हैं, चूंकि हमें पढ़ाना भी है। चलो अब आगे समझो, ये क्या है दो और प्लस ये जीरो, और ये मैंने क्यों बताया ये कहानी, इसमें स्क्वायर करो या कुछ भी करो ये सब जीरो है, सब जीरो हो जाएगा भाई, टू मल्टीपल जीरो है तो जीरो हो जाएगा, और ये जीरो का जीरो ही रहेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म खत्म, क्या बचेगा भैया इसमें, तो केवल दो बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, केवल दो आएगा, मिला लो पहले, दो आ रहा कि नहीं, कितना आ रहा है, दो आ रहा है ना, मिला लो फटाफट, किसी को कोई भी सवाल करना है तो बताओ, राम बाबू बेटा तुम बेसिक मैथ ज्वाइन करो पहले, पहले अभी तुम बचवा वाला पढ़ो, अभी तुम इसको मत पढ़ो, तुम्हारे समझ में नहीं आया अभी ना, पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, पबजी उबजी हटा दो, पबजी बोल रहा हूँ सब्जी नहीं, और जाके बेसिक मैथ पढ़ो पहले, हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें? चलो तो ये आपका हो गया पी ऑफ जीरो, अब हम निकालेंगे वन, जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर वन रखेंगे। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या भाई, कोई मिस्टेक हुआ है क्या, जीरो रखना था ना, अगर इस पे जीरो, ये सब जीरो हो गया तो क्या है, दो ही आएगा, ठीक है
अब क्या निकालना है? अब पी ऑफ वन निकालना है। चलो पी ऑफ वन, तो देखो बचवा ये दो ऐसे ही रहेगा धन मतलब प्लस, जहां पे टी है वहां पर वन रखोगे। देखो ये पी ऑफ वन का ही मतलब है, जहां जहां टी वहां वहां वन रखोगे। तो ये वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, फाइनल में ये टू प्लस वन प्लस, ध्यान देना वन का स्क्वायर वन होगा और वन का टू में मल्टीपल करोगे बेटा तो टू होगा, यानी एक का गुणा दो में करोगे तो दो होगा। एक का चाहे जितना घात लगा लो एक का रहता है वो। देखो प्लस प्लस जितने सभी जुड़ जाएंगे, ये प्लस है ये भी ये भी, ये पांच माइनस का वन हो रहा है क्या? चंदन सिंह यादव जी बताइए हो रहा है क्या? 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है भाई। उत्तरमाला मिलाते जाओ अपना एनसीईआरटी वालों, क्योंकि तुम लोग बाद में मुझे बहुत परेशान करते हो कि अरे गुरु जी कैसा पढ़ाया उत्तरमाला नहीं मिल रहा है। तो 244 आना चाहिए, ठीक है कितना आना चाहिए? 244। राम बाबू को एकदम से ब्लॉक कर दो भाई, इसे हटाओ, इसे इसका नालायक हरामखोर बेवकूफ पहिर पहिर जिसे बोलते हैं, पहिर का मतलब जान रहे हो? इसको मैं 8 बार बताया कि क्या करना है तुम्हें, नहीं बस अपन ने डंडा किया, डंडा किया है ना, भैंसी का आगे बीन बजावा तो भैंस खड़ी पगुरा है, समझ रहे हो ना? वही हाल है इनकी, तो चाहे जो भी कह दो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ब्लॉक भी नहीं कर रहे ये सब मॉडरेटर लोग हैं, इनको हम ब्लॉक करेंगे। रुको इनका कहा चाहिए अब, चलो जल्दी लिखो। हाँ क्लास चल रही है जी बताइए। क्लास चल रही, क्लास देखना है जिसको जिसको आए जल्दी फटाफट। चलो देखो आप क्या निकालोगे, पी ऑफ टू, ध्यान देना बहुत अच्छे से समझोगे सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी ऑफ टू में क्या करोगे बेटा, ये टू ऐसे ही रहेगा, जहां जहां टी है वहां वहां टू रखोगे, क्या रखोगे? टू रखोगे, क्लियर? तो ये आपका टू हो जाएगा प्लस, ध्यान देना बहुत अच्छे से समझना, ये टू का ऐसे ही टू रहेगा और प्लस, देखो ये दो का वर्ग चार हो जाएगा, चार का दो में गुणा करोगे आठ हो जाएगा। और बेटा दो का जो ये क्यूब था ना, यहाँ पे घात तीन थी तो ये वो तीन रहेगा, ये आठ हो जाएगा, तो ये दूना चार दूना आठ, क्लियर? अब जितने प्लस प्लस है ना जोड़ लो, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, तो ये चार हो गया आठ बारह हो गया, बारह में से आठ गया बराबर चार आया। छाप लो छाप लो, स्क्रीन शॉट ले लीजिए सभी जितने भी खिलाड़ी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई सवाल है, कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई दुख दर्द है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। चलें हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के इसमें के और सारे बचे हुए पार्ट कर लेंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो ना? चाहे सूरज धरती दोनों जमीन पे आ जाए तब वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें के दो पार्ट बता दिया और दो पार्ट तुम खुद करोगे, जो पढ़ने वाला वो करेगा, जो इस उम्मीद में आया है कि गुरुजी अब लिखेंगे हम छाप लेंगे, छाप लेंगे और मम्मी को दिखा देंगे, देखो इतना पढ़े, मम्मी कहेंगे हाँ हमारा बेटा बहुत पढ़ाता है, बहुत पढ़ाता है, वो तो पूरा कपिए भर रहा है, वो का ही नहीं पता है कि हरामखोर पढ़त नहीं ना, ये छाप छाप रखा है बस, बाकी एक का कुछ पता नहीं, हराम मतलब क्या बोलते हैं उसे, आम घास देसी भाषा में ना। चलो तो तीसरा वाले में कर लोगे आप लोग, मेरे में यहाँ कमेंट चल रहा था ये वो बंद कर दिए लोग, तीसरा वाला कर लोगे ना आप लोग? हाँ तीसरा वाला कर लोगे इसमें का अगला पार्ट कि नहीं? अरे कमेंट देख रहा हूँ तुम लोग का भाई, रुका रहो। गोपीचंद, राहुल, विपिन, अवंतिका,
देखिए जिनको बेसिक नहीं आती बाबू, वो पहले तो जीरो लेवल देख लें, पहले जीरो लेवल जाके देख लें, पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन में है, या फिर रात के 9 बजे से जुड़ें। रात के 9 बजे सप्ताह में 3 से 4 दिन हम बेसिक पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर तुम्हें बेसिक नहीं आती है तब तुम्हें कक्षा 9-10 की मैथ नहीं आएगी। बेसिक आना बहुत जरूरी है। जैसे अब मैंने कहा, तुम लोग बताओ, चलो ईमानदारी से बताना, एक एक बच्चा बताएगा, ये बताओ। अगर मैंने लिखा क्या लिखा, 2 का घात -2, तो इसका मान कितना आएगा, कोई बताएगा? 2 का पावर -2, इसका आंसर कितना आएगा? अगर तुम इसे नहीं जानते हो तो कक्षा 9 की मैथ नहीं समझ पाओगे। इसे नहीं जानते हो तो तुम्हें बहुपद नहीं समझ में आएगा, कोई नहीं समझा सकता। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी अभी कि तुम्हें लगा दिया जाएगा आने लगेगा, नहीं, ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं आता है कि 3x² + 5x + 1 इसका गुणनखंड करो, तब तुम्हें नहीं आएगा कक्षा 9 का मैथ। लेकिन हार नहीं मानना कि हमें नहीं आएगा, चलो बोल दिए, अब हम बोरिया बिस्तर रख के चलते हैं उधर। आएगा, उसके लिए तुम्हें पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा जीरो लेवल से। रात के 9 बजे से YouTube पे हम पढ़ाते हैं लाइव, या फिर PVR स्टडी एप्लीकेशन में पूरा कोर्स कंप्लीट है, जाके वहाँ से ले लो और पढ़ो। पहले बेसिक सीख लो, जैसे कहते हैं ना, घर बनता है तो पहले नींव बनती है, पहले छत नहीं पड़ता है। कहीं देखे हो कोई घर ऐसा बना है कि पहले छत पड़ गया, लिंटर पड़ गया जिसे बोलते हैं, बाद में दीवार बनी हो? अरे वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो खंबा बनाया जाता है, उसमें भी पहले खंबा बनता है। नहीं, तुम लोग कहो मैंने देखा था, पहले खंबा बन गया फिर छत पड़ गया, लेकिन बनता है तो पहले शुरू जमीन से ही होता है, अगर जमीन पे बन रहा है तो। बाकी बड़े शहरों की बात करें, किसी के घर पे जाके अपना घर बना लो तो अलग बात है। समझ गए ना, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ भाई। ये रईसुद्दीन इस्लाम ये क्या कहना चाहता है? नेटवर्क खराब, हमारा नेटवर्क खराब है तो तुम हमारा काहे खराब कर रहे हो? हमारा खराब है तो तुम अपने चक्कर में सबका काहे खराब कर रहे हो बे? चलो तीसरा नंबर आप लोग कर लोगे ना, आप थर्ड वाला कर लोगे?